साथ रहती हैं ना, किसी अलग हो चुके हैं ना। हाँ जी, इस साल माँ के साथ रहती हैं। डाइवोर्स तो मुझे दिखा नहीं दिया, डाइवोर्स नहीं हुआ ना। मतलब ये दीदी कहते हैं कि मुझे अपने आदमी के लिए जाना, उनके साथ ही रहना, ये कब तक हो जाएगा ये बस। जूता मैं नहीं डालूंगी, जूता नहीं होगा। कितना दिलवा दूँ तो ये माँ आदमी की घर नहीं, उनका जुगाड़ नहीं, मैं यही का दिलवा दूंगी बेटा। मैं झूठे वचन नहीं करूंगी। माँ कहने का मतलब ये है कि ये अपने आदमी के साथ नहीं रहेगी एक छत पर, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा तेरे कहने का मतलब है कि ये अपने आदमी के वापस जाना चाहती है, और जो जिसके साथ आदमी लगा हुआ वो छुड़ा दूँ। हाँ जी, नहीं होगा। मैं झूठे वचन नहीं करूँगी। अच्छा, वहाँ इसको इसका जो हिस्सा है, जो इसकी वहाँ से हक है वो दिलवा। फिर माँ इनका आदमी जब है ही नहीं तो क्या करूँ। आदमी है ही नहीं उसके, अब आगे आदमी नहीं है। अगर उसका मन कहीं और लग रहा है तो लगाए। अच्छा बाबा, ये नहीं है। और उसका मन कहीं उसका किसी और के साथ भी संबंध माँ दिखा रही है कि आगे हो जो है हो सकते हैं। माँ बहुत परेशान है, ये आदमी तो है ही नहीं ये ले। ये अच्छा माँ, अच्छा माँ, ठीक है माँ, ठीक है ना सब। और बाकी बेटा पर्दा रहने दो। अच्छा, मतलब इससे हिस्सा दिल जाएगा, हक आ जाएगा, इससे हक आ जाएगा। फिर बेटे का भी मिल जाएगा, अगर इसका भी मिलेगा। और मैं इसका भी मिलवा दूंगी। ये तो इनका बेटा, ये अभी जॉब कर रहा है, ये अभी जॉब कर रहा है। उसने बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारी संभाली है। हां, वो ये भी बाप के लिए रोता है, बाप के लिए तरसता है। अब जिससे ये इनका मतलब बनने की कोशिश हो रही है वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। ये सोच रही एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसको पता ही एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, ये अपने बाप को मानता नहीं, मम्मा को ही है। बाप को तो बस ऐसे ही, क्योंकि देखा ही नहीं है तो बाप को बाप क्या समझेगा। पहले तो उसे बोल अंदर से अपने आप को ना स्ट्रांग करे। अच्छा, तो 20 साल हो गए, स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक जो आस है ना वो खत्म है। अगर कोई उसे झूठी आस दे रहा है तो बेटा गलत दे रहा है। वो जो झूठी आस दे रहा है वो गलत करता है। इसके पीछे खूब करवा दिया, चौराहे पे दिलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ जब चौराहे की चीजें जब चलती है, जब अंत हो जाए। अच्छा, उससे पहले यहाँ चौराहे की चीजें चलती, क्योंकि चौराहे से भी 10 चीजें आती हैं जो अपने घर से मीठा बना के ले जा रहे हो, रख के आ रहे हो। अपना तो कोई इलाज होता नहीं उससे, अपना तो कोई बंधन होता नहीं। 10 चीजें आती हैं, कैसे करना बताओ। ये तो है, ये तो है, अभी है ही। इनसे पूछो इन्हें किसके साथ कराना है, मैं करा दूँ। अच्छा, मैं कुछ नहीं देते तो। लेकिन मान लीजिए कोई एक तरफ का है फिर इसका, यहाँ से तो खत्म है, यहाँ से तो खत्म। किसको जिससे चाहिए मैं करा दूंगी। आप इसी को जैसे कह रहे हो इसके, इसको तो आप बता रहे हो, लेकिन जिसके साथ आप बता रहे हो क्या वो भी इसके साथ तो नाम बताऊँ रोज ये बताएगा आपको। लेकिन मान लीजिए बहुत जैसे जैसे शरीर घूम रहा है, ये माँ के दुर्गा माँ है ना, जो शक्ति है उनके साथ, क्योंकि बचाया उसी ने है ना तुझे, जो ये लॉन्ग सवारी वगैरह दे रही है ना, तो बचाया उसी ने है ना। और सवारी को इससे नहीं दे रही क्योंकि तेरा शरीर नहीं झेल सकता, तो चाहिए एक मंदिर वाला आशीर्वाद। अगर दिख जाती है वो तो बता के जाती है सब चीज़ें, तो समझ ही नहीं पाती थी वो सब। आप वो भी कर दूंगी कि वो बताए आगे कर। देखो शरीर पे ना खेले, शरीर टूटता है, सामने खड़ी हो तो तुझे बताया करे तेरा गलत सही होने से, वो बता दूँगी। माँ वो भी कह रहे हैं कि बस हक वाली बात। हाँ तो ठीक है, मिल जाएगा बेटा, आना पड़ेगा। हाँ जी माँ, दीदी आएंगे। हाँ आना पड़ेगा। हाँ शनिवार कुछ लाना है, वही तेल लेके आए बेटा, खाली तेल। हाँ तेल लेके आए, ठीक है। तेल तो आया हुआ है उनके यहाँ से। हाँ जी, तो ये उसी के किसके दिख रहे थे भाई ये, फिर मुझे नाम बता दे उसका, पूछा तो आ जाएगा फिर नाम बता। अशोक, इनका नाम अशोक है, जिया जी का नाम, दीदी का नाम सुषमा, इनका नाम पीयूष है। मुझे तो कुछ पता नहीं लगा, नहीं नहीं रुको, इनका नाम क्या लड़की का? सुषमा। पति का नाम? अशोक। अभी तो माँ क्या रहती है? हाँ जी। बाप का नाम? मतलब लड़की की, लड़की के बाप का नाम? हर प्रकाश। हर प्रकाश, हाँ श्री हर प्रकाश।
ये मम्मी यही है ना, हाँ जी बाहर दिखा रही है, घूम रही है, घर में घूम रही है, दिखा रही है। अरे ये तो डिप्रेशन में आ चुकी है लड़की, रोती रहती है डिप्रेशन में आ रखी तो। हाँ जी मुझे काम दिखा रही है, मैं बस घर में वो जो कर लेती है दवाई वगैरह होता है ना, इसका पहले किया था बेटा, ये गई हुई है दरबार में कहीं। हाँ जी हाँ, उस दिन के बाद से तो बिल्कुल ही माँ होली के बाद से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। माँ एक तो देख तू भी नहीं सर कहती है सच्चे दरबार हैं, फिर कैसे ऐसे इसका सर घूमना शुरू हो गया। अब सर घूमता है इसका, कमर में दर्द रहती है, ये पीछे ऐसे दर्द रहती है, यहाँ होती है तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से कुछ बोलना चाह रही है लेकिन रुक जाती है। होता है, बैठ जाओ बैठ जाओ, होता है क्या, बिठाओ इन्हें पकड़ के भाई, ऐसे होता है कि कुछ बोलना चाह रही फिर रुक जाती है। ये कहीं और भी गई है? हाँ जी गई है। सर ने किसकी विधि हुई है, मसाने छोड़ रखी है इसके, इसके अब तो लड़के के साथ भी ऐसे ऐसे होने लगी है इसकी। हाँ जी अनबन से है ना, चिड़चिड़ा सा रहता है। ये लड़के की उम्र क्या है? लड़के की अभी 19 साल पूरा हुआ है। और लड़की के चक्कर में है ये वैसे? बेटा एक तो ये इस पे मसानी छोड़ रखी है, बेटा घर में घूम रही है, एक जीभ निकाल के खून टपक रहा है। देख मैं नाम नहीं रखती, जिसका नाम रखना होता मैं रख देती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ चौकी के पर्दे यहाँ मैं लगाती हूँ, चौकी यहाँ मैंने लगाई है, चौकी ये तो मना करती थी कि मेरे बस की नहीं है और इसका शरीर भी नहीं है लगाने वाली मैम। तू बैठ के इस उम्र में पैर दबाती है ना, ये अभी से पैर दबाती है। हाँ जी माँ बहुत बेचैनी हो रही है, हालत खराब है। तू अभी बैठी है ना, इसका तो कोई है भी नहीं फिर संभालने वाला, फिर भी चौकी ली है मैंने इसके, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का भी 8 साल की मुझसे साथ हूँ इसके, ऐसे ही नहीं हूँ। बेटा मसानी छोटी हुई है, कपड़ दिए हैं, ये अंडे की सन्नत किसने दी थी भाई? अंडे दिए हुए हैं भाई, चाय में अंडे रखे हुए हैं लड़की के ऊपर से, आदमी ने, और आज भी 15 साल हो गए। अच्छा 15 साल हो गए, दद्दी भी है ना ये? हाँ जी हाँ जी, मैं ही हूँ। मारपीट आई हुई थी ना घर पे, मारपीट आई थी ना मियां बीवी के बीच में? हाँ मैं बहुत ज्यादा पहले हुई थी मिस की। जिस लड़की के साथ है उसने चलाया है इसके साथ में, इसकी तो इसलिए दी है कि खत्म हो जाए बस, ये बच्ची ही हुई है। माँ आपका आशीर्वाद है, आपने बचाना, माँ आपने रक्षा कर दी इन बच्चों की, माँ आपके आ गए बच्चे, आप ही संभालो इन बच्चों को। माँ तादर सी हो गई थी ना? हाँ संभाला इसने ऐसे, सच्चे दरबार ये आगे आ गई थी मेरे, और ये ही खड़ी है इसलिए छोड़ दिया मैंने इसे। क्या चाहिए बताओ, आए हो दरबार में झोली फैला के? तो हमारे बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए।
मेरा चौराहे की कोई जन्नत जब तक नहीं दे रही जब तक मैं ना बताऊं। और मुझे नींबू चाहिए इसके ऊपर से सात शनिवार को यही लेके आना यही जी के दरबार में। ठीक है माँ। इसके शरीर में भी दर्द रहता है, इसके दर्द होते पैर कटे जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, माँ बहुत दर्द होता है, इसके पैर में टूटते हैं, इसके पैर परेशान होते हैं, कुल्ला सो नहीं पाती है, इसकी तो ये हालत है, ढंग से बाल भी नहीं बांध सकती, इसको रहते खुले पड़े रहे मेरे बाल। नींबू चाहिए इस पे से, और जब काल का मंदिर जाए तो बोतल दिलवा देना इसके हाथ से, ले आना इसका मैं कर दूंगी बेटा। ठीक है, तो शनिवार को इनको साथ लेके आऊं। हाँ, तो और साथ में नींबू लाऊं? हाँ, साथ नींबू बिना दाग वाले लिख लो। ठीक है, और कालका मंदिर जब भी ये जाए, जब भी ये जाए बोतल चढ़वा देना बेटा। ठीक है,